गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर की धातु परिचय पढ़ा रहे थे। धातु का अर्थ क्रिया हमने आपको सुनट लगा कराया था, पठती पठते पठंती पढ़सी पठते पठ पठामी पठावे पठावे। तो आपकी स्कूल में कुछ क्रियाएं दी हुई है, कुछ धातुएं दी हुई है, कौन सी क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है पठ, पठ को कहते हैं पढ़ना, लिख को कहते हैं लिखना, हंस को कहते हैं हंसना, क्रीड यानी होता है खेलना, खान यानी खाना, चल यानी चलना, भज यानी भजन करना, खेल यानी खेलना, भज यानी बोलना, चल यानी चढ़ना, खन यानी कूदना, पच यानी पकाना, भ्रम यानी घूमना। उसी प्रकार कुछ परिवर्तनीय धातु है जिनके रूप वर्ण अलग चलते हैं, इसके रूप क्या चलते हैं, धातु अलग चलते हैं थोड़ा। ये मूल धातु होता है भू, लेकिन बनता इसका है भवती भवते भवंती, गम लेकिन बनता है गचती गचते गचंती। उसी प्रकार त्रय तरती तरते तरंती, इष्ठा तिष्ठती तिष्ठते तिष्ठती, ग्रा जिगती जिगते जिगंती, पा पीवती पीवते पिबंती, द्रस का बनेगा पश्यती पश्यते पश्यती, और धा का बनता यचती यचते यचंती। तो ये आपके कुछ धातु है, मूल धातु है, इसे कहते हैं धातु संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं इन्हें क्रिया है। इसके हम कुछ आंसर्स करेंगे, तो अपनी बुक में आंसर को फिल करने हैं ताकि आप इसे अपनी बुक में कर सके। तो हाथ में रखिए पेन पेंसिल, बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन में आपको खंड खे और खंड कह दे रखा है, कह और खे, आपको कह को खे से मिलान करना है। पहला है बद, तो बद का अर्थ होता है बोलना, संस्कृत बद का अर्थ क्या होता है बोलना, तो उसके आगे लिखिए बोलना, बोलने पर टिक लगा दीजिए। दूसरा है खन, खन का अर्थ होता है खोदना, खन का अर्थ क्या होता है खोदना। तीसरा है भू, भू का अर्थ होता है होना। फोर्थ है भज, भज का अर्थ होता है भजन करना, भगवान का भजन करना। दा, दा का अर्थ होता है देना, दा यानी देना, किसी को दान देना। द्रस यानी देखना, द्रस यानी देखना। पा यानी पीना, पा यानी पीना। स्था यानी बैठना या ठहरना, बैठना या फिर ठहरना। त्रय का अर्थ होता है तैरना, त्रय का अर्थ होता है तैरना। और नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नमस्कार करना। वद यानी बोलना, खन यानी खोदना, भू यानी होना, भज यानी भजन करना, दा मतलब देना, द्रस का देखना, पा यानी पीना, स्था यानी बैठना, नमस्कार कर। अब है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आपको धातु रूप उसके अर्थ का उचित मेल करना है, उसका अर्थ करना है पूरा। पहला है यजती, यजती का अर्थ देता है, यजती यानी होता है देता है। किड़ती, किड़ती का अर्थ खेलता है, खेलता है। जिगती यानी सूंघता है। तिष्ठती यानी बैठता है। भ्रमती मतलब घूमता है, भ्रमण करना घूमना। गच्छती इसका अर्थ है जाता है। पश्यती यानी देखता है। नर्तती यानी नाचता है। रक्षती का अर्थ होता है रक्षा करता है। भवती का होता है होता है, उन्हें रिपीट कर रही हूं। गच्छती यानी देखता है, क्रीड़ती मतलब खेलता है, जिगती का अर्थ सूंघता है, तिष्ठती यानी डरता है, भ्रमती मतलब घूमता है, गच्छती मतलब जाता है, पश्यती यानी देखता है, नर्तती यानी नाचता है, रक्षती रक्षा करता है, भवती का मतलब होता है होता है। तो आप इसे अपनी बुक में आंसर को बराबर फिल कर लीजिए ताकि आप इसे नोट बुक में कर सके। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर बुक में करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर बुक में करने हैं। थैंक यू।